हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन दोस्तों आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों आप अपने फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, दोस्तों सेव करना चाहते हो, आप कैसे सेव कर सकते हो या दोस्तों आप कैसे शेयर कर सकते हो आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों अगर आपके दोनों ही फ़ोनों में दोस्तों अगर ये शेयर मी ऐप है या दोस्तों आप यहाँ पे शेयर को लाइट को भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी सारे ऐप होते हैं, आपको पता ही होगा इसके बारे में। ये दोस्तों मैं आपको एक और नए तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में है ये गूगल फाइल तो आपको इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसी फाइल को ही ऑन करना है अगर आपके इस वाले फ़ोन में ये फाइल है, और नहीं है तो दोस्तों आप नहीं कर सकते इसके। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है तो मेरे को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं नेटवर्क को कनेक्ट कर दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप फाइल को डाउनलोड कर लेते हो अपने फ़ोन में दोस्तों सेम फाइल, दोस्तों पहले आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है अपने वीवो फ़ोन से दोस्तों आपको भी इसी सेम फाइल को ऑन कर लेना है और आपको क्लिक करना है शेयर पे और यहाँ पे भी शेयर पे। दोस्तों फ़र्क ये है आप इस फ़ोन से अगर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो इस फ़ोन में तो आपको सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ रिसीव पे। दोस्तों अगर आप डाटा को अपने फ़ोन में लेने चाहते हो वीवो फ़ोन में तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिसीव पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डाटा ट्रांसफ़र करना बता रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस पर रिसीव पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी वीडियोज़ है दोस्तों आप यहाँ से कोई फ़ोटोज़ वगैरह दोस्तों यहाँ पे मैं फोटोज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आपके पास कोई डाउनलोड फोटोज है दोस्तों जो भी है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑडियो वगैरह दोस्तों अगर आप सेंड करना चाहते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और फिर दोस्तों आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको पहले ऑन भी कर लेना है इस वाले फ़ोन में जो भी परमिशन वगैरह आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दे जाएगा रेडी टू रिसीव। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी फ़ोन से करना चाह रहे हो दोस्तों उस फ़ोन का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो रेडमी फ़ोन से जा रही है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको दी जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेप्ट का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले दोस्तों आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों कुछ फेल्ड हो रहा है दोस्तों यहाँ पे नहीं जा रहा है तो मैं इसको दोबारा से एक बार क्लिक कर लेता हूँ। फोटोज़ वगैरह को बैक हो गए रिसीव पे क्लिक करके। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको दोबारा से सेंड करता हूँ, फोटोज़ को मैं ट्राई करता हूँ मैं इस पर क्लिक करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर तो एक्सेप्ट यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको इस पर जैसे ही क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर ये फोटोज़ इस वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों ये वाली फ़ोटोज़ तो जो भी मैंने ट्रांसफ़र करी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये वाली फ़ोटो हमारे इस वाले फ़ोन में भी है, वीवो के फ़ोन में, और हमारे इस वाले फ़ोन में भी है। ऐसे दोस्तों मैंने ये दो फोटो भी मैंने ट्रांसफ़र करी है आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट है वो दो जो भी अभी हमने भेजे यहाँ पे दोस्तों देख सकते दोस्तों यही सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी है। दोस्तों यही टाइमिंग पे दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट को क्लिक करा था और यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है और यहाँ पे भी ऐसे ही। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इस टाइम से मैंने स्क्रीनशॉट को क्लिक करा था। दोस्तों यहाँ पर आप टाइम भी मैच कर सकते हो, यही आइकन भी यहाँ पर है। दोस्तों आप इस तरीके से अपने वीवो के फ़ोन से दोस्तों आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फोटोज़ वगैरह अपनी गूगल फाइल से अगर आप करना चाहते हो। या दोस्तों आप करना चाहते हो शेयर मी ऐप से दोस्तों आपको अपने इस वाले फ़ोन में भी शेयर मी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों आप इस तरीके से डाटा ट्रांसफर कर सकते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।